हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मैंगो से आइसक्रीम घर पर बाजार जैसे बिना गैस जलाए। दोस्तों वीडियो हमारी लास्ट तक देखिएगा, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर हम बनाते हैं मैंगो आइसक्रीम। आइसक्रीम बनाने के लिए हमने एक मैंगो लिया है, इसका सारे पल्प को हमने निकाल दिया है, ये देखिए दोस्तों। अब हम ले लेते हैं मिक्सी जार, पल्स को हमने मिक्सी जार में डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से दोस्तों ले सकते हैं, जैसे भी आपको मीठा पसंद हो। ये देखिए दोस्तों, हमने एक कटोरी लिया है चीनी, और ये देखिए दोस्तों इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा दूध, ये देखिए। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये कितनी बढ़िया हमारे आम के पल्स ग्राइंड हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं मलाई, ये देखिए दोस्तों, ये घर की ही मलाई है, हमने इसे घर पर ही दूध से बना लिया था दोस्तों। अब मलाई को भी हम डाल देते हैं, जो कि हमारी बाजार जैसे आइसक्रीम बनकर तैयार हो दोस्तों। इसे दोस्तों आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको यकीन भी नहीं होगा ये घर पर बनी हुई आइसक्रीम है। ये देखिए दोस्तों, मलाई को भी हम डालकर ग्राइंड कर लिया है, और हमने ये ले लिया है कप दोस्तों। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, ये चाय के जो कप हैं। आपके पास आइसक्रीम स्टैंड नहीं है तो आप इसमें आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, हमने सारे पल्स को गिलास में डाल दिया है, अब इसमें लगा देते हैं आइसक्रीम किट। ये देखिए दोस्तों, हमने सारे को लगा दिया है, अब इसे हम फ्रीजर में रख देते हैं 1 घंटे के लिए। ये देखिए दोस्तों, हमारी बाजार जैसे आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी दोस्तों। जब भी आपका मन करे आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है, 1 घंटा हो गया है। ये देखिए, हम आपको निकाल कर भी दिखा रहे हैं, ये देखिए आसानी से ये दोस्तों निकल जाता है। अगर दोस्तों हमारी ये आइसक्रीम आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप भी एक बार ट्राई करिएगा, हमें बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमारी रेसिपी आपको कैसे लगी दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा, ये देखिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय।